गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी बाइसेप की एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है आपके बाइसेप मसल को सबसे इफेक्टिवली ग्रो करने के लिए। बाइसेप्स जो कि वन ऑफ द मोस्ट विजिबल मसल है आपके टी शर्ट्स में, सिमिलरली ये गाइस लोग का आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट मसल भी है। तो आज हम बाइसेप के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो दो बड़ी रिसर्च में सबसे बेहतर तरीके से प्रूवन हुई है आपका बाइसेप्स मसल बिल्ड करने के लिए। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बाइसेप्स की एनाटॉमी समझ लेते हैं। तो गाइस जो हमारा बाइसेप मसल है उसमें ब्रैकियाई शॉर्ट हेड आता है, ब्रैकियाई लॉन्ग हेड आता है और ब्रैकियालिस। तो गाइस इन सारे मसल्स को ध्यान में रखते हुए एस ने यानी अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज ने 16 हेल्दी पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट किया। इन 16 हेल्दी पार्टिसिपेंट्स में से 8 पार्टिसिपेंट्स मेल थे और 8 पार्टिसिपेंट्स फीमेल थे। इनकी एज 18 से 30 साल के बीच में थी और इनको पहले से ही वेट लिफ्टिंग का एक्सपीरियंस था। एस ने क्या किया, इन सारे पार्टिसिपेंट्स के ब्रैकियाई शॉर्ट हेड पे, ब्रैकियाई लॉन्ग हेड पे और ब्रैकियो रेडियालिस पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड्स क्या करता है, इलेक्ट्रोड्स ईएमजी मॉनिटर के थ्रू आपको ये बताता है कि कौन सी एक्सरसाइज ने आपके बाइसेप्स मसल पे सबसे ज़्यादा वर्क किया है, कौन सी एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स मसल को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट किया है। तो एस ने इन सारे पार्टिसिपेंट्स को खूब सारी बाइसेप्स की एक्सरसाइज कराई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस की एक्सरसाइज बाइसेप्स की कराई और स्टडी के अंत में ये पाया कि कॉन्सेंट्रेशन कर्ल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके बाइसेप को सबसे बेहतर तरीके से ट्रेन करती है, सबसे बेहतर तरीके से आपके आर्म्स को बिल्ड करती है। एस के साथ साथ जर्मन यानी कि बहरेंस एंड बस्कीज के रिसर्च ने भी यही पाया कि कॉन्सेंट्रेशन कर्ल बाइसेप की नंबर वन एक्सरसाइज है आपके बाइसेप मसल को ग्रो करने के लिए। गाइस बात करें कॉन्सेंट्रेशन कर्ल की, तो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल की खासियत ये है कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन कर्ल लगाते हैं तो आप अपने हाथ को अपने इनर थाई से चिपका लेते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बाइसेप मसल को पूरी तरह से आइसोलेट कर लेते हैं और आप चीट नहीं कर पाते। जैसे कि आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने अपने बाइसेप मसल को अपने इनर थाई से चिपका के पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है, इसलिए बहुत ही अच्छा पीक आ रहा है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन कर्ल एक्सरसाइज की एक और खासियत है कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन कर्ल लगाते हैं तो आपका कोई और मसल इन्वॉल्व नहीं होता इस एक्सरसाइज में। मैक्सिमम बाइसेप्स की एक्सरसाइज में आपका एंटीरियर डेल्टॉइड पिक्चर में आ जाता है, पर इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ आपका बाइसेप ट्रेन होता है। तो गाइज इफ यू वॉन्ट बिगर आर्म्स देन द क्लियर विनर इज कॉन्सेंट्रेशन कर्ल, और प्लीज आप कॉन्सेंट्रेशन कर्ल को अपने बाइसेप वर्कआउट में इंक्लूड करिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको अपने बाइसेप वर्कआउट का पूरा शेड्यूल चेंज करने की जरूरत है, पर हाँ मेक श्योर करें कि आप जब भी अपना बाइसेप का वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन कर्ल आप जरूर लगा रहे हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। रिसर्चर्स की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके आराम से और इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ईएमजी रिसर्च के बेसिस पे एक ऑप्टिमाइज्ड बाइसेप्स के वर्कआउट शेड्यूल पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, तो मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं ताकि पूरा बाइसेप का साइंटिफिक वर्कआउट वीडियो आपको देखने को मिले जब भी मैं उसे अपलोड करूँ। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।